हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज़, अब हम आए हैं नेहरू मेमोरियल, जो कि हमारा प्रधानमंत्री जो म्यूज़ियम है उसके बिल्कुल साथ ही पड़ता है। और पिछली बार जब हम आए थे, पीएम म्यूज़ियम आए थे, तो यहाँ घूम नहीं पाए थे क्योंकि हमें पता नहीं था, मेरे को लगा थोड़ी सी आगे होगा। लेकिन अब आए हैं हम तो यहाँ घूम के ज़रूर जाएंगे। काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया था कि काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है, विजिट प्लेस है, और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे घूमेंगे और यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। और जो भाई मतलब आ रहे हैं प्रधानमंत्री म्यूज़ियम, प्रधानमंत्री संग्रहालय, बिल्कुल जस्ट में ही अपना नेहरू मेमोरियल पड़ता है। तो कितनी भीड़ हो चुकी है यहाँ पे। तो गाइस, फाइनली एंट्री हो चुकी है हमारी म्यूज़ियम में, और यहाँ पे एक शो होगा जो थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। तो ये मे बी, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, ये साइंस से रिलेटेड होने वाला है। तो जितने साइंस को पसंद करते हैं वो सारे देखना ज़रूर वीडियो को। तो गाइस, एंट्री तो हमने कर लिया, लेकिन हमारे साथ एक छोटा सा पॉपअप हुआ है। मेरे को लगा ये नेहरू है ना, जो नेहरू मेमोरियल है, ये नेहरू जी का मतलब हिस्ट्री के बारे में बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नेहरू जी के मतलब साइंस में नेहरू जी का क्या क्या रोल रहा था उसके बारे में सारा है। और यहाँ पे स्काई थिएटर भी, और फिर हमारे जितना साइंस से रिलेटेड है वो सारा कुछ यहाँ पे है, जैसे थिएटर हो गया, फिर जो हमारी कल्पना चावला जी वगैरह थी, उन सब के बारे में म्यूज़ियम है। तो अब इसी चीज़ को एंजॉय करना पड़ेगा, तो आ जाओ फिर। और चलते, भीड़ देख लो कितनी हो चुकी है, और सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं। जैसे शो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स का, तो जैसे इस शो में 150 सीट थी सिर्फ, टिकट्स अवेलेबल थी, जो कि बिक भी चुकी है, और जिसमें हम आ भी चुके हैं। कैलकुलेटर के बारे में पता चलेगा वो क्या चीज़ है, कैलकुलेटर वाला किस लिए यूज़ किया जाता है, और मतलब साइंस से रिलेटेड होने वाले ये सारा ब्लॉग। और फिर सीइंग इज बिलीविंग। तो अभी थोड़ी देर में शो शुरू होगा स्काई थिएटर में, थिएटर के अंदर, तो उसको एंजॉय करेंगे। हमारा डॉपलर इफेक्ट, हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स की हिस्ट्री। एक्सप्लोरिंग प्लेनेटरी वर्ल्ड, अब लग चुकी है लाइन, और मेरे आगे कम से कम 100 बंदे हैं। मैंने उनको क्रॉस करके थिएटर में जाना है, उसके बाद थिएटर में जाएंगे और फिर आपको बताएंगे कैसा क्या सीन। हमारी टिकट है जो कि 80 रुपीज़ की पड़ती है, और एडल्ट की और चिल्ड्रन की हमारी 40 रुपीज़ की पड़ती है। 3 बजे स्काई शो। नेहरू प्लानिटेरियम में आपका स्वागत है। शो स्टार्ट होने से पहले जिन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन और कैमरा है वो प्लीज़ स्विच ऑफ कर लें। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपके मोबाइल की लाइट इस शो को डिस्टर्ब कर सकती है। और इस थिएटर में कहीं एक एग्जिट का साइन आप देख लीजिए, अगर किसी को शो के दौरान अनइजीनेस फील करते हैं या कोई इमरजेंसी आती है तो इस एग्जिट का इस्तेमाल करें। About 10,000 million years ago, in a galaxy called the Milky Way, clouds of gas were merging
into condensation along the spiraling arms. In one of the arms, far away from the center of the galaxy, one such clump of gas formed and grew in size by attracting more and more of gas and dust. A star was formed in the center about 4,500 million years ago. And a disk of debris circled the newborn star, the Sun. In this disk, smaller clumps collided with each other. Sometimes they stuck together, and sometimes they broke apart. These collisions took place continuously, and finally, larger clumps, which we today call planets, emerged. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, and so on. In the third clump, conditions were suitable for the emergence of life. Simple cells to begin with, conscious beings, collide with the moon and pierce the surface to reveal the frozen water beneath. But the expected impact signatures were not observed from the Earth. This was not to say that subsurface frozen water is necessarily absent on the lunar poles. The search is usually long and arduous. There was the recently concluded SMART mission that also impacted on the lunar surface to give us information of the guys, जैसा कि अब हम घूम आए हैं, देख भी लिया होगा आपने कैसा थिएटर था और कैसा सीन था, तो अब थोड़ा रिव्यू देता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले तो ना इसके अलग अलग टाइमिंग शो, जैसे हिंदी वाला अलग टाइम पे है, इंग्लिश वाला अलग टाइम पे है, तो ये इंग्लिश वाले टाइम का था इस टाइम। और मेरे को लगा, जैसा कि लगा, काफ़ी लोग सो गए थे बोर होके, तो मतलब जिन्हें एक्चुअल में ना साइंस से रिलेटेड नॉलेज है और साइंस के बारे में जानना चाहते हैं तो वो ज़रूर आए। और यार बच्चों का कोई काम नहीं होता इस जगह पे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मतलब खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी करते हैं। तो ऐसा सीन था कि मतलब आए जिन्हें मतलब इंटरेस्ट हो, मतलब कि भाई साइंस से रिलेटेड जो हमारी गलेक्सी है उससे रिलेटेड, प्लानट से रिलेटेड, वो सब जिन्हें इंटरेस्ट है वो आए, उनके लिए मस्ट विज़िट प्लेस है। काफ़ी कम टाइम में मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है हमें यहाँ। और मतलब काफ़ी लोग बोर भी हो गए थे, जिनका जिन्हें मतलब बुड्ढे बुड्ढे भी थे, मतलब उनका मजाक नहीं बना रहा मैं, लेकिन जिन्हें इंग्लिश नहीं समझ आई वो भी बैठ के आराम से सो रहे थे। तो ये कुछ सीन था नेहरू मेमोरियल का। और जब मेरे को स्टार्टिंग में लगा कि नेहरू मेमोरियल है, ये तो मतलब नेहरू जी का जो मतलब हिस्ट्री होगी, कैसे कहाँ जन्म हुआ था, मतलब जो भी उनकी कैसे रहे थे, क्या उनका टाइम पीरियड था, क्वालिफिकेशन, ये सब होगा, लेकिन ये हमारा स्पेस से रिलेटेड था कि भाई कैसे हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो कैसे बनी, और फिर कैसे हमारे प्लैनेट्स का डेवलपमेंट हुआ, और कैसे स्टार्स, क्या मतलब जो ब्रह्मांड है पूरा उसके बारे में बता रखा था ये। तो ये था इस व्लॉग में, तो अब व्लॉग को करते हैं एंड। और वीडियो को ना शेयर कर देना जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं उनको, उनके लिए तो बहुत मस्ट विजिट प्लेस मेरे को यही लगा पूरी दिल्ली में। और शेयर कर देना, लाइक कमेंट करके बता देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नए व्लॉग में।